उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही। डबल मर्डर की सूचना से हड़कंप मच गया। सिरफिरे आरोपी ने महिला को गोली मार दी। महिला को गोली मारने के बाद खुद को भी उसने गोली मार ली। दोनों की दर्दनाक मौत बताई जा रही है। दो अन्य इसमें घायल बताए जा रहे हैं। गोलीकांड में मृतक महिला की बेटी और पति घायल हैं। दोनों घायलों को CSC से बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। SP, ASP, CO घटनास्थल पर मौजूद। सूत्रों की माने तो महिला की बेटी से जुड़े मामले को लेकर युवक पर मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को भेज दिया था जेल। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के गोडियन खेड़ा गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आज दिनांक 8/7/2024 को 3:30 बजे थाना क्षेत्र फतेहपुर 84 के ग्राम गोड़ियन खेड़ा में फायरिंग हुई। फायरिंग में फूल कुमारी पत्नी कुट्टी लाल उम्र 48 है, कुट्टी लाल कश्यप उम्र 53 वर्ष एवं दो अन्य घायल हो गए। थाना फतेहपुर 84 पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज हेतु CSC फतेहपुर 84 में भर्ती कराया गया, जहां पर फूल कुमारी को मृत घोषित कर दिया गया है। गांव गोड़ियन खेड़ा के लोगों द्वारा परिजनों द्वारा बताया गया कि गोड़ियन खेड़ा के ही अनुराग पाल पुत्र पाल उम्र 22 वर्ष द्वारा फायरिंग की गई और गांव में जानकारी से भी ज्ञात हुआ कि अनुराग पाल पुत्र पाल द्वारा गांव से बाहर कुछ दूरी पर स्वयं गोली मारकर हत्या कर ली गई है। उसका शव पड़ा हुआ है और उसके पास एक तमंचा भी पड़ा हुआ है। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर किसी तरह की कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है।